वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट कैसे होती है रेडिएशंस की। तो उसमें हमने गैस फील्ड डिटेक्टर्स पढ़े थे, जीएम काउंटर के बारे में हम पढ़ चुके थे, एंड आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया था। मैं उसका डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये है आयनाइजेशन चैम्बर का डायग्राम। कैसे इसके कैसे कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, जैसे इसमें क्या लगा है, एक चैम्बर होता है जो क्या है हमारे पास कैथोड। तो कैथोड में कैथोड क्या बना होता है, मेटल कोर का बना होता है जिसको जो यूज होता है एज अ कैथोड। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, एक विंडो होती है, थिन विंडो, जहां से क्या होता है रेडिएशंस एंटर करती है। उसके बाद इसमें एक लगा होता है टंगस्टन की वायर, एक टंगस्टन वायर है जो कैसे यूज होती है एज एनोड। हमारे पास एनोड का काम होता है। तो इसके अंदर क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है। दो इलेक्ट्रोड्स है वो 1 या 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। उसके बाद यहाँ पे एक इंसुलेटर हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस है जैसे कि वो बाहर में क्या है अफेक्ट ना करे। जैसे हम घर पे जब दो तारों को जोड़ते हैं तो उसको ब्लैक सेलो टेप से कवर कर देते हैं ताकि वो क्या करे, बाहर की अर्थिंग ना करे। तो इसलिए इस वजह से यहाँ जो एक्स्ट्रा करंट है वो उसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक छोटा सा इंसुलेटर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास जो टंगस्टन की वायर है उससे क्या होता है, चार्जेस आते हैं। एक लगा इसके अंदर वोल्टमीटर, जो पर एक बैटरी लगी है, वोल्टमीटर लगा, वोल्टमीटर है 50 to 100 volt, 50 to 100 volt का क्या लगा है एक वोल्टमीटर। उसके बाद इसमें एक रीडर लगा है जहां से हम रीडिंग नोट करेंगे। कैसे इसकी वर्किंग होती है, प्रिंसिपल दोनों का प्रिंसिपल जो सारे गैस फील्ड डिटेक्टर सबका सेम ही रहेगा। तो कैसे इसकी वर्किंग होती है, यहाँ से क्या करता है चार्ज पार्टिकल्स एंटर करता है। जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन है वो क्या करती है, यहाँ से एंटर करती है। जो हमारे पास थिन विंडो है वहां से एंट्री होती है चार्ज पार्टिकल्स की। अब जो चैम्बर है वो फिल्ड है किससे, गैसेस से। गैसेस कौन सी है, जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, एयर, CO2 होगी, इनको ये क्या है इसके अंदर फिल्ड है, इसको हम मीथेन गैसेस भी बोलते हैं। उसके बाद जो इसमें टंगस्टन वायर लगी है वो क्या, जो जब चार्ज पार्टिकल्स एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फील्ड हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो तो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, चार्जेस का पार्टीशन हो गया। तो वो क्या हो गया अपने अपने, जैसे कि नेगेटिव है जो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या करता है रिपल्शन शो करता है, उसी तरह से जो कैथोड है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड जो टंगस्टन वायर है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद यहाँ से चार्ज फ्लो करके हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर, जहाँ से रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास वोल्टमीटर लगा है, बैटरी लगी है, वहां पे क्या कर जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू। जब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट शो फ्लो होके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होके क्या करेगा, हमारे पास रीडर के अंदर रीडिंग हमारे पास शो करेगा, पल्सेस शो करेगा। जो हमारे पास करंट पल्सेस है वो हमारे पास रीडर के अंदर नोट हो जाएंगे। जो करंट पल्सेस है जो जनरेट हुई है किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनकी वजह से जो जनरेट हुई है वो यहाँ पे हमारे पास ये वायर, इन्होंने क्या किया चार्ज पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दिया। चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से आयोनाइज होके यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और ये मूवमेंट के बाद जब वो वोल्टमीटर से पास आउट होके कहाँ जाएंगे, हमारे पास रीडर के ऊपर। रीडर से हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पल्सेस, जो हमें जैसे कुछ इस टाइप से मिलती है। तो हमें क्या हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कितनी रेडिएशन उस कंपाउंड में से निकली है। तो ये था हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसमें क्या हो रहा है, गैस क्या कर रही है, आयोनाइज कर रही है चार्ज पार्टिकल्स को। उसके बाद ये सिंपलेस्ट वे था आयोनाइजेशन का, जो हमारे पास गैस फील्ड था। उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल काउंटर बनाया, जो क्या था आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद ही प्रोपोर्शनल काउंटर बना था। प्रोपोर्शनल काउंटर क्या था, थोड़ा सा जो चार्ज पार्टिकल्स रह जाते थे उनको और आयोनाइज करके आगे से और रीडिंग देता है। उसके अंदर पे जो ये गैसेस फील्ड है, P10 गैसेस है इनको हम बोलते हैं, तो वो फील्ड होती है सेम ऐसा ही कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, बस इससे थोड़ा सा बेटर है। उसके बाद GM काउंटर हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। सो अब हम पढ़ेंगे हम
हमारे पास सिंटिलेशन डिटेक्टर। सिंटिलेशन डिटेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस है वो रेडिएशन शो करते हैं, जब एक्सपोज करते हैं रेडिएशन तो वो रेडिएशन एक प्लेट पे जाके अगर वो एमिट्स हो रही है तो वो क्या कर रही है, फ्लैशेज ऑफ लाइट दे रही है। जैसे कि हम सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल ओनली कि यहाँ से कुछ भी सब्सटेंस था, यहाँ पे एक प्लेट लगी है, तो क्या कर रही है, यहाँ से जब रेडिएशन निकल रही है तो वो कहाँ, यहाँ इस प्लेट पे जाकर स्ट्राइक कर रही है, तो वो क्या शो कर रही है, हमें सिंटिलेशन शो कर रही है, मतलब कि एक फ्लैश दे रही है, लाइट दे रही है। जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करती है इसका मतलब क्या है कि एक रेडिएशन आ चुकी है, तो ये हमारे पास सिंटिलेशन होता है। अब सिंटिलेशन क्या क्या लिखेंगे हम सिंटिलेशन डिटेक्टर्स में, जैसे कुछ सब्सटेंसेस है, सर्टेन सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन एमिट्स फ्लैशेज ऑफ लाइट्स, क्या कर रहे हैं, एमिट्स कर रहे हैं फ्लैशेज ऑफ लाइट, या तो फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस, टू टाइप्स के ल्यूमिनेसेंस होते हैं, फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस, जो टाइम बेस्ड होते हैं कि कितने टाइम में क्या हो रहा है, उसके बाद फ्लोरोसेंस है कितना वो अपने कंडक्शन बैंड में जा रहा है, अपने नीचे वाले बैंड से ऊपर कंडक्शन बैंड में जा रहा है इंसुलेटिंग बैंड से, तो वो कितना टाइम कितने फ्लैशेज हमें शो कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम सिंटिलेशन डिटेक्टर में, सर्टेन सब्सटेंसेस when exposed to radiation emits flashes of lights प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। जो डिटेक्टर मटेरियल है लाइट एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन,
जितनी भी उस कंपाउंड की वेवलेंथ है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या दे, उसी के अकॉर्डिंग हमें एमिशन दे। जैसे कि द डिटेक्टर कंपाउंड, डिटेक्टर कंपाउंड क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो डिटेक्टर के क्या थे, मटेरियल था कंपाउंड का, मटेरियल शुड बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। किसके ट्रांसपेरेंट, टू द वेवलेंथ ऑफ इट्स ऑन एमिशन। उसके खुद के एमिशन के वेवलेंथ के ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट डिके टाइम है, शॉर्ट डिके टाइम है इंड्यूस्ड ल्यूमिनेसेंस का, जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंस हो रही है, फ्लोरोसेंस हो रही है, फॉस्फोरोसेंस हो रही है, उसका क्या होना चाहिए, शॉर्ट डिके टाइम होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज। जो सिंटिलेशन डिटेक्टर है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सिंटिलेटर हो गया या फिर इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर हो गया, दोनों ही क्या हो रहा है हमारे पास, यूज हो रहा है एज अ डिटेक्टर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर। इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स के लिए हम यूज करते हैं अल्कली हैलाइड्स। जो कंपाउंड यूज होता है वो होता है अल्कली हैलाइड्स। अल्कली हैलाइड्स यूज करके हम जो उसके अंदर और क्या होता है, ये इंसुलेटर्स होते हैं। जो इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स हैं उनमें क्या यूज करते हैं, हम यूज कंपाउंड इज अल्कली हैलाइड्स। और क्या होते हैं, इंसुलेटर्स टाइप के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है वो इंसुलेटिंग बैंड से कितना होता है, थोड़ा डिफरेंस पे होता है। जैसे कि ये हमारा कंडक्टिंग बैंड है और ये इंसुलेटिंग, तो इनका डिफरेंस कितना होता है, ज्यादा होता है। जब इनका डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो किस तक, तो यहाँ से जैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जा नहीं सकते या फिर वो जा सकते हैं एक्साइट होके, तो वो बहुत टाइम के बाद जाता है, तो क्या होता है उनको, हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जब चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर में, एक जो हमारे पास डिटेक्टर है, जो एक्टिवेटर है, वो एक एक्टिवेटर यूज किया जाता है, सुटेबल एक्टिवेटर आर यूज, जैसे कि NAI हो गया। ये क्या है हमारे पास, एक सुटेबल एक्टिवेटर है जो क्या करता है, गामा रेडिएशन को एक्टिवेट करता है, गामा काउंटिंग करता है। NAI यूज फॉर गामा काउंटिंग। NAI यूज किया जाता है गामा काउंटिंग के लिए। और भी यूज किए जाते हैं NAI के अलावा, हम यूज कर सकते हैं सीजियम आयोडाइड को, CSI थैलियम को, CSI सोडियम के साथ, उसके बाद लिथियम आयोडाइड को यूज कर सकते हैं, यूरेनियम के साथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऐसे की तरह बहुत सारे कंपाउंड एक्टिवेटर्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स। जैसे इनऑर्गेनिक है ऐसे एक ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स। ऑर्गेनिक सिंटिलेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें हम यूज करते हैं एंथ्रासीन एंड स्टिल्बिन। एंथ्रासीन एंड स्टिल्बिन दो टाइप्स के क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंटिलेटर्स। एंथ्रासीन एंड स्टिल्बिन आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। जो एंथ्रासीन है वो क्या करता है, हाई सिंटिलेशन एफिशिएंसी शो करता है। जो स्टिल्बिन है वो क्या करता है, हमारे पास लो एफिशिएंसी, जो लो सिंटिलेशन एफिशिएंसी है उसको शो करता है। एंथ्रासीन शो करता है हाई सिंटिलेशन एफिशिएंसी को, एंड स्टिल्बिन लो सिंटिलेशन एफिशिएंसी। तो जब लो सिंटिलेशन होते हैं तो हम स्टिल्बिन यूज करेंगे, जब
सेपरेशन है तो हम एंथ्रेसीन को यूज करेंगे। उसके बाद जो लिक्विड सिंटिलेटर्स है वो भी यूज किए जाते हैं। किस चीज के लिए वाइड एप्लीकेशंस है उनकी, कब यूज किए जाते हैं लिक्विड सिंटिलेटर, जैसे जो अल्फा बीटा काउंटिंग है उनको काउंट करने के लिए हम लिक्विड सिंटिलेटर्स का यूज किए जाते हैं। जब उस लिक्विड सिंटिलेटर्स क्या शो करते हैं, हमें 100% एफिशिएंसी। लिक्विड सिंटिलेटर्स यूज किए जाते हैं अल्फा बीटा काउंटिंग के लिए एंड शो करते हैं हमें 100% एफिशिएंसी विद 100% एफिशिएंसी के साथ। उसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा जो काउंटिंग है वो लिक्विड किससे होती है, लिक्विड सिंटिलेशन सिंटिलेटर जो है हमारे पास, उनसे हम अल्फा बीटा काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। ये था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर में क्या होता है, बैंड गैप होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े थोड़े मूव करने लग जाते हैं ऊपर। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रेडियो रेडिएशन की एप्लीकेशन क्या क्या है, जो रेडिएशन है इनकी एप्लीकेशन एग्जाम्स में आती है, 4 मार्क्स में कब पूछ सकते हैं इसको। तो रेडिएशन की एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स है, रेडियो न्यूक्लियाइड्स रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की एप्लीकेशन क्या क्या है, इन मेडिसिन के अंदर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन मेडिसिन मेडिसिन के अंदर क्या क्या यूज है, जैसे कि जो मेडिसिन के अंदर आगे 2 टाइप्स होते हैं, जो रेडिएशन यूज हो रही है सोर्स इन थेरेपी, रेडिएशन सोर्स इन थेरेपी के अंदर, और
और जो रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, रेडिएशंस सोर्स इन थेरेपी एंड जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो यूज ऑफ रेडियोआइसोटोप्स है वो उसका हम देखते पहले थेरेप्यूटिक एजेंट्स के साथ। थेरेप्यूटिक एजेंट्स में कैसे यूज होता है, टू किस लिए यूज करते हैं, आयनाइज करता है एटम्स को, जब एटम्स को आयनाइज कर देता है जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, एंड जो स्ट्रेंथ एंड एनर्जी है अल्फा बीटा एंड गामा रेज की वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यूज हो रही है। जो रेडिएशन है स्मॉलर वेवलेंथ के साथ या फिर शॉर्टर वेवलेंथ के साथ वो क्या शो कर रही है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो कर रही है विद हायर वेवलेंथ के साथ, इनकी हाई वेवलेंथ है उनके साथ क्या कर रही है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिंग पावर उनकी क्या होती है ज्यादा होती है। उसके बाद जब जितना ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें मिलेगा जो अल्फा बीटा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी रेज में जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा डिस्ट्रक्शन होगा बीम्स का, जो बीम्स निकल गए उनका डिस्ट्रक्शन होगा और जो वो क्या हो जाएगा आगे सराउंडिंग टिश्यू को क्या करेगा हमारे रेडिएट करेगा। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए ये था हमारा थेरेप्यूटिक, या फिर किस सब में है थेरेप्यूटिक एजेंट में, एंड डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। अब डायग्नोस्टिक पर्पज में कैसे यूज होता है, ये क्या करता है सिंटिग्राफी, जो सिंटिग्राफी है हमारे पास ऑर्गन्स की उसको क्या करता है रेडिएट करता है। डायग्नोस्टिक पर्पस में क्या आते हैं, इंक्लूड्स करता है सिंटिग्राफी ऑफ ऑर्गन्स, जो स्टेटिक और डायनेमिक सिंटिलेशंस हो रही है वो हम रेडिएशंस के थ्रू क्या करते हैं नोट कर सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू हम नोट कर सकते हैं। अब जो स्टेटिक इमेजिंग है इसमें क्या आती है, स्टेटिक इमेजिंग एंड डायनेमिक इमेजिंग। स्टेटिक इमेजिंग में क्या करते हैं हम जो साइज है और जो जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है ऑर्गन्स की वो उनको स्टडी किया जाता है, साइज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गन्स। और जो डायनेमिक इमेजिंग उसमें क्या करते हैं हम स्टडी फंक्शनिंग की, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। साइज एंड मॉर्फोलॉजी जो कैल्शियम हम यूज कर रहे हैं, कैल्शियम का सॉरी एटॉमिक मास है 44 या फिर 45, 44 और 45 कैल्शियम है वो हम यूज कर रहे हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं कैल्शियम, हमें मेनली मिलता है बोन्स के अंदर, तो बोन्स के डिटेक्शन के लिए, बोन्स में अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो हम बोन्स के डिटेक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, बोन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कैल्शियम 44 और 45 का यूज कर सकते हैं रेडिएशन के अंदर, अगर हम रेडिएशन से नोट कर रहे हैं। या फिर जो कार्सिनोमा हो रहा है हमें उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं रेडिएशन के, जो हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स है उनसे। सेकेंड है हमारे पास कार्बन, नॉर्मली तो हमें कार्बन मिलता है 12 के फॉर्म में, बट जो 14 कार्बन है ये होता है रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब जो कार्बन है वो किस लिए यूज करते हैं, व्हाइट लिए यूज होता है वो क्या डिटेक्ट करने के लिए, हमारे पास जो मैकेनिज्म है जो कार्बोहाइड्रेट है उनका मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कार्बन 14 का। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का हम यूज कर रहे हैं किसमें, जो हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा रेज है उनको वो यूज की जाती है। ये एजेंट क्या कर रहा है, एमिट करता है अल्फा बीटा एंड गामा रे, तो जो एक्सरेज होते हैं उनके अंदर क्या यूज किया जाता है, हम कोबाल्ट यूज करते हैं, जो एक्सरे करवाते हैं हमारे बॉडी के लिए, बॉडी का एक्सरे करवाते हैं तब क्या यूज होता है।
हमारे पास कोबाल्ट उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड प्रेजेंट है जब 198 गोल्ड 198 जब 198 के फॉर्म में गोल्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो वो भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। उसको यूज किया जाता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है रेडियोएक्टिव सॉलिड्स के उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं गोल्ड का। गोल्ड और ये क्या करता है गोल्ड को स्टरलाइज किया जाता है बाय ऑटोक्लेविंग से। उसके बाद इसके जो अल्फा बीटा जो एमिट्स करता है और गोल्ड क्या करता है एमिट करता है बीटा एंड गामा रेस को जो किसमें यूज किया जाता है नियोप्लास्टिक जो हमारे पास हो रही है सुप्रेसेंट हो रहे हैं उनको ट्रीट करने में हमारे गोल्ड का यूज करते हैं गोल्ड सोल्यूशन का। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन। टू हाइड्रोजन एंड थ्री हाइड्रोजन। जब टू हाइड्रोजन और थ्री हाइड्रोजन है तो ये किस हाइड्रोजन वैसे नॉर्मली 1H1 के फॉर्म में मिलता है बट जब 2 और 3 के फॉर्म में दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो जब हाइड्रोजन का यूज हम किस में करते हैं वाटर के डिटेक्टिंग के लिए। जब वाटर का हमें कुछ डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे उसमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन का यूज करेंगे। देन इज आयरन। आयरन हमें किस किस फॉर्म में रेडियो एक्टिव आइसोटोप था 55 आयरन एंड 59। जब आयरन 55 और 59 की फॉर्म में दैट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड आयरन को जो हमारे बॉडी ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में कुछ कमी है तो उनको रेडिएशंस के थ्रू डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं आयरन का यूज करते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 13N की फॉर्म में या फिर 15N की फॉर्म में क्या है ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। एंड ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन एंड 18 ऑक्सीजन 17 एंड 18 ऑक्सीजन जब हम यूज कर जो क्या है ये कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो ये कुछ रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो मेडिसिंस के अंदर यूज किए जाते हैं। उसके बाद इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रास्ट मीडिया। थैंक यू।